हाय फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु चैनल में सबको स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। कैनन कॉफियर मशीन का ड्राम कैसे चेंज किया जाता है वो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे जो ड्राम चेंज करने के वक्त जो हम लोग हाथ में पाउडर लगाते हैं या ड्राम में पाउडर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग का हाथों में जो पसीना रहता है उसके साथ भी ऑयल भी रहता है, वो ऑयल के कारण हम लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। पाउडर इस्तेमाल करने से ऑयल किसी भी तरह ड्राम में नहीं जाएगा। ड्राम में अगर ऑयल चला गया तो प्रिंट में प्रॉब्लम होगा, प्रिंटिंग नहीं अच्छा आएगा, इसीलिए हम लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। आप लोग प्लीज़ पाउडर इस्तेमाल कीजिए तो आपको ड्राम में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम या दिक्कतें नहीं आएगा प्रिंटिंग में। तो चलिए कैसे करते हैं हम आसान प्रोसेस में आपको दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं दोस्तों। चलिए कैसे ड्राम चेंज करते हैं दिखाते हैं। पहले इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसको रहता है खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद तो इसको खोलने के बाद ये स्टेशनरी बॉक्स को निकालना है। इसमें पानी भर गया है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं देता है कभी कभी। इस स्क्रू को खोलना है, इसको इधर शॉर्टन जैसे करता है वैसे कर दिया। फिर इसको खोलना है, एक ही इसको खोलना है यहाँ पे, बस हो गया। बस इसको सीधा चैनल में है, सीधा इसे पकड़ निकालो, एक हाथ इधर बैठो और काफ़ी दूर ना जाए। ये जो ड्राम है, ड्राम को चेंज करो, अगर ठीक है तो इसको वॉश करके लगा दो। तो कैसे करते हैं चलिए दिखाते हैं। तो चलिए ड्राम को कैसे खोलते हैं वो दिखाते हैं। इधर जो स्क्रू रहता है इस साइड में, इसको खाली खोल देना पड़ेगा। इधर भी एक स्क्रू, यहाँ टोटल चार स्क्रू रहता है। तो ये खुल गया, अब यहाँ इसको सीधा यहाँ हस्ते से पकड़ना पड़ेगा, हल्का प्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे, हल्का प्रेस देकर ईंटों जो है लोहे का इसको ऊपर को खींचना पड़ेगा। खींचो तो निकल जाएगा, तो निकल गया। अब इसको ऐसे सीधा ऊपर उठाओ, इस तरह टानो, खींचो हल्का सा, इसके ऊपर निकाल दो, निकल गया। ये जो रोलर है, चार्जर इसको बोलता है, इस चार्जर को उतारो। ये चार्जर भी बहुत गंदा हुआ है, इस चार्जर को थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। इसको हम क्लीन करेंगे, साफ से क्लीन करेंगे, नहीं तो ये जाएगा नहीं। पानी से साफ से क्लीन करके लगाएंगे। फिर इसका अंदर कुछ स्टेस खाली रहता है उसको गिरा देते हैं। चलिए देखते हैं ये ठीक है कि नहीं। इसका फ्रिज तो थोड़ा ख़राब था, फिर काम चलने वाला था, इसको बॉडी में बहुत रेशा दाग हो गया है। एक कैमरा में शायद दिखाएगा नहीं, देख नहीं पाएंगे आप लोग, फ्रिज के ऊपर समझ पाएंगे जो ख़राब हो गया है। इसको खोल दिया, इसको चेंज करना है, नया दूसरा लगाएंगे। तो दूसरा लगाएंगे, उससे पहले ये भी देखना है कि ब्लेड भी चेंज करना पड़ेगा।
ब्लेड भी यहाँ पे रहता है, ब्लेड को कैसे खोलते हैं वो भी दिखा देते हैं। ये जो स्क्रू है यहाँ पे एक स्क्रू है ब्लेड का, ये स्क्रू को खोलना है और इधर एक स्क्रू है। खोल दिया इसको, इसी तरह निकाल दिया, निकल गया। नया इसको नया ड्रम लगाएंगे, तो तब तक के लिए इसको वॉश कर रहे हैं। चार्जर को क्लीन करके लाया है, चार्जर क्लीन है। ये है ड्रम, नया ड्रम, नया डीसी ब्लेड है, इसको चेंज करना है। ये और ये ब्लेड है, इसको ड्रम बोलते हैं। ये पुराना ड्रम है, ड्रम तो खत्म हो गया, और इसको बोलता है ब्लेड, डीसी ब्लेड। ये दोनों चेंज करते हैं, ये डीसी ब्लेड है, ये ड्रम है। इसको खोल दिया, ये नया है, इससे पहले पाउडर भी लगेगा। ड्रम को चेंज करने के लिए लगेगा थोड़ा पाउडर, इसको धीरे से निकाल दिया। ये नया ड्रम है, इसमें थोड़ा पाउडर देना पड़ेगा ताकि स्लीपी हो। ये है डीसी ब्लेड, इसमें पाउडर लगा हुआ ही है, कंपनी से पाउडर थोड़ा लगा के रखते हैं, पाउडर जाती है, कुछ पाउडर टाइप का कुछ होता है, लेकिन पाउडर शायद नहीं, जो हम लोग पाउडर लगाते हैं। हाथ में जो ऑयली भाव रहता है इसमें ना चला जाए, इसके लिए हम थोड़ा पाउडर हाथ में लगा देते हैं। इस पर ब्लेड को पहले, सबसे पहले ब्लेड को लगाना है, इसके अंदर दो टीस्पून का घाट है, आप सब बैठ जाएगा आपको अंदर घुसाने के साथ ही। इसको स्क्रू लगा देना है, अच्छा ये है डीसी ब्लेड लगाना हो गया। अब लगाना है ये जो चार्जर है, चार्जर को
दो तो पॉइंट है दो दो साइड में सीधा वहाँ बैठा देना है, क्लिक बैठ जाएगा, बैठ गया। अभी इस ड्रम को सीधा यहाँ घुसा देना है, यहाँ बैठ जाएगा। ये जो है इसको यहाँ पुश करो, बैठ जाएगा, बैठ गया। इसको जो तो लगाना है, इसको लगा दो। हो गया ड्रम सेट, IR 2230 कैनन मशीन का ड्रम सेट हो गया। अब इसको मशीन में कैसे लगाते हैं चलिए दिखाते हैं। इसको याद रखो यहाँ चैनल बना हुआ है, इस चैनल को यहाँ पे चैनल है उस चैनल में घुसाना है, इस चैनल में इसको लगा देना, सीधा धीरे से पुश करो तो अंदर चला जाएगा। थोड़ा तो हिला के बैठा दो, बैठ गया। और वहाँ पे जो स्क्रू था बड़ा बड़ा वाला स्क्रू है, इसको को यहाँ लगा दो, लग गया। और यहाँ जो शट डाउन किया हुआ था, शट डाउन मतलब इस स्विच को शट डाउन जैसे सिस्टम है, इसको फिर वापस ला दो। यहाँ पे एक स्क्रू का जगह है, ये स्क्रू लगा दो। लग गया। और ये जो ड्रम है, ये ड्रम बोल रहे, ये जो टोनर प्लास्टिक टोनर जो डब्बा है, इसको यहाँ बैठा दो, बैठ गया। ये जो है कवर, ये कवर के यहाँ पॉइंट है, पॉइंट में बैठ गया। एक स्क्रू लगाना है, इसको ऐसे करने से हो गया। इसी तरह ड्रम चेंज किया जाता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।